दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका। मैं दीपक पाठक और आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं 12th फिजिक्स का यूनिट नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, दैट इज अबाउट द करंट इलेक्ट्रिसिटी। दोस्तों, पिछली वीडियो में जो चैप्टर की पहली वीडियो थी, उसमें आप लोगों ने ओम्स लॉ एंड रेजिस्टेंस एंड फैक्टर अफेक्टिंग दी रेजिस्टेंस, करंट डेंसिटी, कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी, यहाँ अ वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, यहाँ तक इन टॉपिक को हमने डिस्कस कर लिया था। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और चैप्टर में कुछ और नए टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं। दोस्तों, मैकेनिज्म, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन ए मेटलिक कंडक्टर, कॉन्सेप्ट ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम। दोस्तों, टॉपिक का मतलब है हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस इलेक्ट्रिक चार्ज एक कंडक्टर में उसके फ्लो होने का मैकेनिज्म मेथड क्या होता है, क्या तरीका होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो होगा तो करंट को कॉन्स्टिट्यूट करेगा, तो कैसे फ्लो होता है और कैसे करंट को कॉन्स्टिट्यूट करता है, किस तरीके से करंट बनती है। ठीक है दोस्तों, और इसी में हम टर्म्स को डिस्कस करेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड द रिलैक्सेशन टाइम। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं और आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, मेटल हैव लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी, लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। बिल्कुल सही बात है, किसी भी मेटल के अंदर मेटल के एटम्स होते हैं और मेटल के एटम्स के पास ये नेचर होता है, प्रॉपर्टी होती है कि उनके बैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन उसको छोड़ करके मूव कर सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। दोस्तों, मेटल के एटम के पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता, बैटरी नहीं लगाई होती तो रूम टेम्परेचर पर हीट एनर्जी जो उनको मिलती है सराउंडिंग से, या थर्मल एनर्जी जो उनसे मिलती है, उससे वह रैंडम मोशन करते हैं। जिस इलेक्ट्रॉन का जिधर को भी मन करता है, जिधर भी वह चाहता है, उधर दिमाग झपड़ी मचाता है, उधर मूव कर रहा होता है, यहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है, कोई भी इलेक्ट्रॉन किधर को भी क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। दे आर शोइंग द कॉन्टिन्यूअस रैंडम मोशन, मतलब लगातार रैंडम, माने कोई भी किधर को भी मूव कर रहा है। तो फिर से एक बार देख लें, जो कंडक्टर होते हैं वो मेटलिक होते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन उनके पास होते हैं। जब हमने बैटरी नहीं लगाई हुई है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, उस समय पर ये सभी फ्री इलेक्ट्रॉन लगातार मोशन कर रहे होते हैं। और कैसी मोशन? रैंडम मोशन ड्यू टू द थर्मल एनर्जी। ओके, अगर हम ये माने कि U1, U2, डॉट 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 U1, ये इनकी रैंडम वेलोसिटीज हैं, किन की जो n फ्री इलेक्ट्रॉन कंडक्टर के अंदर है। कोई कंडक्टर है, उसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्री हैं, बहुत सारों को हमने n कह दिया, हर एक इलेक्ट्रॉन की कुछ ना कुछ वेलोसिटी है। लेकिन यदि हम सभी इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी का एवरेज करते हैं तो वह क्या आएगा? जीरो आएगा। यानी कि एक तरह से कोई भी नेट चार्ज फ्लो नहीं हो रहा है तो कोई करंट भी नहीं बन रहा होगा। मुझे उम्मीद है कि ये बात आपको यहाँ तक समझ में आई होगी। देन क्या होता है, हमने कंडक्टर को बैटरी से कनेक्ट कर दिया, कि बैटरी हो गई, हमने उसको कनेक्ट कर दिया, है ना। इससे क्या हुआ, कंडक्टर के एंड्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को हमने अप्लाई कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गया और सभी इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में सभी इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं। दोस्तों, बात समझ में आ रही है। और तब सारे का सारा चार्ज एक ही डायरेक्शन में चलने लगा तो इट विल कॉन्स्टिट्यूट द करंट, ये इलेक्ट्रिक करंट सर्किट में बना देगा, इलेक्ट्रिक करंट में एक सर्किट बन गई। तो दोस्तों, अब हमने क्या किया, उस कंडक्टर से एक बैटरी को अप्लाई कर दिया, बैटरी जो पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप करेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पर ई आ गया। पहले अभी तक हम बात कर रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड एब्सेंट था, इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन कर रहे थे। अब कहीं पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है और चार्ज है तो क्या होगा, आपने ये कॉन्सेप्ट को पढ़ा हुआ है, आप जानते हैं, समझते हैं, आप जानते हैं कि एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू ई, ये रिलेशन है, आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है। एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू ई, यहाँ पर क्या हुआ, आपने ये कंडक्टर था, इस कंडक्टर को आपने इस तरीके से
बैटरी से कनेक्टेड कर दिया। ओके, बैटरी की वजह से क्या हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस भी सेटअप हो गया, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये टर्मिनल, एंड एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेटअप हो गया। अब सभी इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में क्या करेंगे, मूव करेंगे नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल को तरफ को। क्यों, एफ इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू इंटू ई। तो जहां पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाता है, वहीं नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। तो एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू ई, एफ की जगह पर आएगा मास इंटू एक्सेलरेशन, एम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का मास होगा, माइनस का ई इलेक्ट्रॉन का चार्ज, एंड वेक्टर ई, तो वेक्टर ए इज इक्वल टू माइनस का ई इंटू ई अपॉन में एम। ये एक्सेलरेशन जो ईच इलेक्ट्रॉन में क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। ठीक है, अब हर एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा, जो रैंडम मोशन कर रहा था उसमें एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो गया, उसमें एक एक्सेलरेशन आ गया। ठीक है, हमारे पास एक रिलेशन होता है, वी हैव अ रिलेशन, दैट इज व्हाट, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये रिलेशन है। इस रिलेशन के अकॉर्डिंग जिस इलेक्ट्रॉन के पास रैंडम वेलोसिटी यू वन थी, उसमें एक्सेलरेशन हुआ और कुछ टाइम तक हुआ, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, वी वन हो गई। कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन था जिसकी रैंडम वेलोसिटी यू टू थी, एक्सेलरेशन ए हुआ, टाउ टाइम तक एक्सेलरेट हुआ टी टू टाइम तक, तो उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, वी टू हो गई। ठीक इसी तरीके से, ठीक इसी तरीके से डॉट 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 वी एन, कोई एनथ इलेक्ट्रॉन जो था यू एन, उसकी रैंडम वेलोसिटी थी, एक्सेलरेशन ए हुआ और टाउ एन टाइम तक वह एक्सेलरेट हुआ, तो ये उसकी फाइनल वेलोसिटी हो गई। अच्छा, ये जो आप यहाँ पर देख पा रहे हो, जो मैं टाउ, अच्छा तो ये टी टाइम ही है, पर इसको एक स्पेशल सिंबल टाउ से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये क्या है, इट इज़ द मीन फ्री पाथ। मतलब क्या होता है, आपको मालूम है जब कंडक्टर के अंदर इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स चलते हैं तो बीच में उनको क्या मिलते हैं, इस तरह से पॉजिटिव आयंस मिलते हैं। अब मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से इससे फ्री हुआ, चल रहा था और यहाँ तक वो उसने अट्रैक्ट कर लिया, तो ये वाला जो टाइम है, ये दिस इज व्हाट द टाउ, यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन कितनी देर तक फ्रीली मूव करता है, चलता है, एक्सेलरेट होता है, दैट इज व्हाट द टाउ। तो ये आ गया हमारे पास। अब देखिए इतने सारे इलेक्ट्रॉन होंगे 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर, है ना, 10^28 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ये संख्या होती है। तो हम एक एक इलेक्ट्रॉन के पास जाकर के ये तो नहीं पूछ सकते कि बताओ तुम्हारी वेलोसिटी क्या है, तुम्हारी वेलोसिटी क्या है। तो हम क्या करेंगे, सभी की वेलोसिटी का एक एवरेज निकालेंगे, और ये सभी वेलोसिटी का जो एवरेज निकालेंगे, दैट नोन एज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब इसको ड्रिफ्ट नेम क्यों दिया गया, वह भी आपको थोड़ी देर में बताएंगे। ठीक है ना, तो ये होगा V1 प्लस V2 प्लस V3। आपने देखा कि जब हमने बैटरी सेटअप की, इलेक्ट्रिक फील्ड आया, हर एक इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या हो गई, U से V में कन्वर्ट हो गई। U थी इनिशियल रैंडम वेलोसिटी और V है फाइनल वेलोसिटी जो कि इलेक्ट्रॉन के एक्सेलरेट होने के बाद आई। N से इसको डिवाइड करेंगे। ओके, बात समझ में आ रहा है। सो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, VD है ना, V1 की वैल्यू U1 प्लस A टाउ 1 और प्लस U2 प्लस A टाउ 2 एंड डॉट 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 सो ऑन और UN प्लस A टाउ N और डिवाइडेड बाय N, इस तरीके से करना है। तो VD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, U1 प्लस U2 प्लस डॉट 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 UN, है ना, और एक्स ए कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा टाउ 1 टाउ 2 डॉट 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 टाउ 3। ठीक है, एन दोनों का अलग अलग कर दीजिए, इस तरीके से कर सकते हैं, प्रॉपर्टी होती है। ये वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। तो VD इज इक्वल टू ये हो गया 0, ये A, ओके, और ये हो गया हमारे पास टाउ। तो VD इज इक्वल टू A की वैल्यू यहाँ ऊपर निकाली हुई थी, ये की वैल्यू है, ये वैल्यू हम नीचे जा करके पुट कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया माइनस EEM इंटू टाओ। यहाँ पर हियर ये टाओ क्या है, टाओ है टाओ 1 प्लस टाओ 2 प्लस डॉट 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 टाओ n डिवाइडेड बाई n। सभी इलेक्ट्रॉन, अलग अलग इलेक्ट्रॉन अलग अलग टाइम के लिए, डिफरेंट डिफरेंट टाइम के लिए फ्री होता है, फ्रीली मूव करता है, तो सभी फ्री टाइम का जो एवरेज है, दैट इज द रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम को बोलते हैं, इट इज द एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन।
टू सक्सेसिव कोलिजन। सारी टर्म्स में अभी आपको समझाऊंगा बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन इसको हम लोग कहते हैं। अब देखिए कॉन्सेप्ट को समझिए, ठीक है ना। तो हमारे पास वीडी का जो फॉर्मूला है वह हमारे पास आ गया वीडी इज इक्वल टू माइनस ई एम इंटू टाओ। अब इसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्यों कहते हैं और ये टाओ का मीनिंग क्या है वो एक बार फिर से आप लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए ये आपके पास कंडक्टर हो गया, आपने इसको बैटरी से कनेक्ट किया था, ये इसमें पोटेंशियल डिफरेंस वी सेटअप हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड ई सेटअप हो गया। ये आपके पास क्या है, दीज आर द पॉजिटिव आयन, मतलब जिनके इलेक्ट्रॉन को छोड़ करके जा चुके हैं। अब ये एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ से चलता है तो ये इसने अट्रैक्ट कर रखा है, फिर ये इससे फ्री होता है, फिर ये इसको अट्रैक्ट कर लेता है, फिर ये फ्री होता है, फिर ये इस पर अट्रैक्ट कर लेता है। तो जितनी देर तक ये है यहाँ इस एटम ने इसको अट्रैक्ट किया, इस एटम ने इसको अट्रैक्ट किया, फिर दैट ये ऐसे, तो ये कोलिजन नंबर वन, ये कोलिजन नंबर टू। इनके बीच में जितनी देर तक एक इलेक्ट्रॉन फ्री चल पाता है, जितने टाइम तक वो चल पा रहा है, इससे छूटा पहला कोलिजन, इसने पकड़ लिया दूसरा कोलिजन, जितनी देर तक वो फ्री चल पाता है दैट इज व्हाट द टाओ यानी कि रिलैक्सेशन टाइम। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्यों, क्योंकि आप देख रहे हैं एक इलेक्ट्रॉन यहाँ अट्रैक्ट होगा, फिर चलेगा, फिर एक्सेलरेट होगा, फिर अट्रैक्ट होगा, फिर चलेगा, फिर एक्सेलरेट होगा, फिर अपनी स्पीड बढ़ाएगा, फिर रुक जाएगा, फिर बेचारा एक्सेलरेट होगा, फिर अपनी स्पीड को बढ़ाएगा, फिर रुक जाएगा, यानी कि रुक रुक के चलने को ही कहते हैं ड्रिफ्टिंग। क्या कहते हैं, ड्रिफ्टिंग। जैसे कि बाइकर्स क्या करते हैं, अपनी बाइक को स्टार्ट करते हैं, अपनी स्पीड बढ़ाते हैं, एक्सेलरेट कर देते हैं, फिर रोक देते हैं, और फिर स्पीड बढ़ाते हैं, फिर रोक देते हैं। तो इस तरह से स्पीड को बढ़ाना, फिर रोक देना, फिर चलना, फिर स्पीड बढ़ाना, फिर रोक देना, दैट इज़ व्हाट कॉल द ड्रिफ्टिंग। तो इस इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, कंडक्टर के अंदर ड्रिफ्टिंग करते हैं। दैट्स वाई द टर्म नेम एवरेज वेलोसिटी को हमने नेम किया, नाम दिया ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो दोस्तों डेरिवेशन आप लोगों को समझ में आया होगा, फिर से मेरे साथ एक बार समरी कर लेंगे सारे टॉपिक की। तो हमने देखा कि हमने जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, तो एक बार फिर से सारे टॉपिक की समरी जल्दी से आप लोगों को करा देता हूँ। तो ये हमारे पास एक कंडक्टर में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, थर्मल एनर्जी की वजह से, रूम टेम्परेचर की वजह से सभी इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन कर रहे हैं, ठीक है। उनकी रैंडम वेलोसिटी का अगर हम एवरेज निकालते हैं तो वह जीरो आता है। फिर हम बैटरी को सेटअप कर देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाता है, सभी इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। जबकि चार्ज एक डायरेक्शन में मूव करता है तो इट कॉन्स्टिट्यूट द इलेक्ट्रिक करंट, करंट को बना देता है। अब क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, सभी इलेक्ट्रॉन पर एफ इज इक्वल टू क्यू इन टी के अकॉर्डिंग फोर्स लगा, एफ इज इक्वल टू क्या होता है एम ए क्यू इन टू ई, तो ए की वैल्यू निकाल ली, फोर्स अपॉन मास, फोर्स ई इन टू ई अपॉन एम आ गया। इस एक्सेलरेशन की वजह से हर एक इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी यू से चेंज होकर वी हो जाती है। रिलेशन हमारे पास है वी इक्वल टू यू प्लस ए टी। अलग अलग इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी अलग अलग होती है, क्यों, क्योंकि सबकी रैंडम वेलोसिटीज अलग थी और सबके जो टाइम थे फ्री मूव करने के वे भी अलग थे। लेकिन हम सभी इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी का एवरेज निकालते हैं, दैट एवरेज इन्होंने ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी वन वी टू प्लस 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 वी एन डिवाइड बाई एन, सबकी वैल्यूज को रखते हैं, यू टर्म्स को एक साथ लेते हैं, ए को कॉमन लेके टी को एक साथ लेते हैं, ये यू जीरो हो जाएगा, ए टाओ, टाओ क्या है, टाओ फिर हमारे पास रिलेशन आ गया वी डी माइनस ई ई एम अपॉन टाओ। यहाँ पर टाओ क्या है, टाओ जितने भी फ्री टाइम थे इलेक्ट्रॉन्स के चलने के वो सबका एवरेज है कि एन एवरेज कोई इलेक्ट्रॉन कितनी देर तक फ्री चल पाता है। और वी डी क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, क्योंकि आपने देखा समझा कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्टिंग करते हैं, तो इसलिए इस एवरेज वेलोसिटी को नेम किया गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ओके दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास एक और टर्म है जिसके बारे में हम क्या कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, समझ सकते हैं, थोड़ा सा ये जो पोर्शन है इसको आगे बढ़ाएंगे, है ना। तो दैट इज व्हाट द रिलेशन बिटवीन आई एंड वी डी, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में रिलेशन, इस टर्म को हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इस्टेब्लिश करेंगे। ओके दोस्तों, रिलेशन बिटवीन आई एंड वी डी। सो देखिए इसी टर्म को लीजिए, ये हमारे पास एक कंडक्टर हो गया, ठीक है, ये कंडक्टर हो गया, इस कंडक्टर को हमने
एल इसकी लेंथ हो गई और ए इसका जो है क्या हो गया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया। इसको हमने बैटरी से कनेक्ट कर दिया, करंट फ्लो करने लगा आई, इलेक्ट्रॉन मूव करने लगे वी डी वेलोसिटी से, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप हुआ वी, इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गया ई। तो पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप होने के बाद, इलेक्ट्रिक फील्ड आने के बाद, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने लगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी से, और इसमें करंट फ्लो करने लगा आई। बात समझ में आ रही है? ठीक है, चलिए आई इज इक्वल टू आप जानते हैं क्या होता है, क्यू अपॉन टी। अब इस पूरे कंडक्टर में कितना चार्ज होगा, ठीक है इसको समझिए। देखिए मुझे मालूम है कि वन यूनिट वॉल्यूम में एन इलेक्ट्रॉन्स हैं। कितने में? वन यूनिट वॉल्यूम हैव द एन इलेक्ट्रॉन्स वन यूनिट वॉल्यूम में प्रेजेंट हैं। तो कंडक्टर का वॉल्यूम कितना होगा? आपको मालूम है किसी भी सिलेंड्रिकल बॉडी का वॉल्यूम क्या होता है? बेस इंटू हाइट। सो ए एल यूनिट वॉल्यूम, ठीक है ना, के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? तो ये हो जाएगा एन इंटू ए एल इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। अब फर्दर वन इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है? ई होता है। तो एन ए एल इलेक्ट्रॉन्स पर कितना चार्ज होगा? ये हो जाएगा एन ए एल इंटू ई, और ये वैल्यू किसकी हो जाएगी? क्यू की। तो ये हो गया, ठीक है। तो आपने क्या किया, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी में आपने क्यू की वैल्यू को रखा एन ए एल ई, और टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो इलेक्ट्रॉन की को जो डिस्टेंस ट्रेवल करना है वह है एल, और किस वेलोसिटी से करना है? वी डी वेलोसिटी से करना है। तो ये हो गया एल अपॉन में वी डी, एल से एल कैंसिल आउट हुआ, वी डी टर्म को आप ऊपर ले जाएंगे तो रिलेशन आएगा ए एन ई वी डी। दिस द रिलेशन बिटवीन द करेंट एंड द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ओके दोस्तों, तो आई अपॉन में ए इज इक्वल टू एन ई वी डी, एन ई वी डी, आई अपॉन ए जे करंट डेंसिटी एन ई वी डी। ये एक और हमारे पास रिलेशन आ गया। तो इसको एक बार आप यहां से देख सकते हैं सारी चीजें। सो देखिए ये सारी चीजें आप लोगों के सामने एक बार से, टॉपिक रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। सारी टर्म्स एक बार आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं, मैंने अभी अभी आपको एक्सप्लेन किया हुआ वही सारा डायग्राम। इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? ड्रिफ्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप हो गया वी, एल लेंथ, ए इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो यहाँ पर हमारे पास जो टोटल चार्ज हम लोग निकालते हैं दैट इज व्हाट कॉल्ड द क्यू इज इक्वल टू, है ना, क्यू इज इक्वल टू ए एल एन इंटू ई। ये हम चार्ज निकालते हैं, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, एल अपॉन वी डी, आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी में क्यू की वैल्यू, और हम पुट करते हैं किसकी वैल्यू? वेलोसिटी की वैल्यू, दैट इज व्हाट द एल अपॉन में वी डी। देखिए आप समझ सकते हैं, यहाँ पर वीडियो पॉज करें और अपने नोट्स को आप लोग यहाँ से पढ़ते हुए आराम से कॉपी कर सकते हैं। रिलेशन को सॉल्व करते हैं तो आई इक्वल टू ए एन ई वी डी, ये रिलेशन हमारे पास आता है। जे इज इक्वल टू आई अपॉन ए होता है, इसे डिवाइड करेंगे तो एन ई वी डी, ये रिलेशन हमारे पास आ जाता है। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग, आपने देखा समझें, कल अगली वीडियो जल्दी ही फिर आप लोग उसको नोट करें पढ़ें। ओके थैंक्स।